भूत 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 भूत। बिरजू आया। मगर तुम इतने बड़े भूत यहाँ काहे के लिए आ गए भैया? बिरजू आया या नहीं? हाँ आया था, जैसे ही आपने निकाला उसने डाला पाँव है, हमने बता दिया। देखो भैया, एक बहुत खूनखार गुस्से वाला आदमी तेरे पीछे है, वो तेरा खून का प्यासा है। फटने से पहले यानी पो फटने से पहले, सुबह होने से पहले यहाँ से चला गया, उसके बाद पलट के नहीं आया। अजी आप तो आप एक इंस्पेक्टरों के पीछे पड़ा है इतना बड़ा डंडा लेके। एक बार वो कुत्ता हाथ लग जाए ना, जितना मैं तड़प रहा हूं उसी तरह तड़पा तड़पा कर कुत्ते से बदतर मौत ना मारा तो अपन भी अपनी माँ का बेटा नहीं। बहन हूँ ना, मेरा नाम छाया, मैं तो चांदनी हूँ, चांदनी। मगर इस भाई की अंधेरी जिंदगी में चांदनी बनकर आई हो बहन, इसे कुदरत का करिश्मा कहूँ क्या अपना नसीब? पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? विकी का दोस्त और तेरा भाई। भाई? पर मुझे देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या मैं इतनी बुरी हूं कि आंख को चुभने लगूं? बहन भाई की आंखों की चमक होती है, चुभती नहीं। एक बार अपने भाई को अपनी जबान से भाई कह दे, जिस जबान की मोहताज थी मेरी बहन, किसी भाई को एक बार भाई कह दे, सिर्फ एक बार। भैया भैया विकी कहाँ है? चल जाओ। चलो दोस्त चलिए, आपको याद फरमाया है। अबे ओए, सेठ ये अपना पर्स तुम अपुन के टैक्सी में छोड़ा था। सेठ चलता हूँ। चश्मे बदूर वहां जरा भाई लुत्फ आ गया, क्या कयामत लेकर आई हो। कसम से सितारा ने तो तेरे दिमाग के सारे तार झिंझोड़ के रख दिए तुम्हारी कसम। अरे मियाँ, बंदी तो हमेशा यही दुआ करती रहती है कि आपकी खिदमत यूं ही करती रहूं। जरा भाई रस्म कभी भी अदा कर लेना, पर पेश की आज शुक्रिया। खुदा हाफिज। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं। तो ये क्या कर रही है? मैं बोला तू भागने की कोशिश नहीं करना, मैं तुम छोड़ूंगा नहीं। भाई चलो, भाई चलो, भाई वो देखो, वो देखो लौंडे भाग रही है। क्या? हाँ वो देखो, वो देखो भाग रही है। अगर उसे लिए बगैर तुम लोग वापस आए तो तुम्हारी बोटियां नोच के कुत्तों को डाल दूंगी। जाओ, मैं कहती हूँ जाओ। कहाँ गई? कहाँ गई हुई उस्ताद? सबों के हाथों से बचकर कहाँ जाएगी?
उस्ताद अभी अभी यहीं थे, कहाँ गई वो? वारे बंबई, तेरे सीने पर जो भी पांव रखता है सीने की धड़कन की तरह भागता ही रहता है। तू भी तो अपनी बहन की तलाश में भागते भागते थक गया है विकी। लेकिन दोबारा अगर भागने की कोशिश की तो टांगे तोड़ के रख दूंगी, समझी? जब देखो तब टांगे तोड़ने की बातें करती है। ये लंबी होगी तुमसे मेरा क्या कसूर है? अरे कसूर तो मेरा है कि तेरी जबान खींच कर न रखती। जबान खींच कर रखती होती तो गजबर लंबी न होती। कमाल है माँ, पहले कह रही थी कि मेरी टांगे लंबी हो गई, अभी कह रही कि जबान लंबी हो गई। न जाने आज तुझे मेरा सब कुछ लंबा क्यों नजर आ रहा है? अरे चांदनी चांदनी कब तक मुझे सताती रहेगी? अरे माँ जब तक तू डांटती रहेगी। अरे पगली मैं तुझे डांटती कहाँ हूँ, मैं तो तेरी माँ हूँ, मैं तो तेरे भले के लिए ही। किसको इशारा कर रही है? इशारा कुछ नहीं माँ, लल्लू है ना, लल्लू गुल्ली डंडा। अब तुझे छोटे छोटे लड़कों के साथ गुल्ली डंडा खेलना शोभा नहीं देता। अच्छा बड़े बड़े लड़कों के साथ? हे भगवान अब मैं इसे कैसे समझाऊं? सुन बेटी, बदन के कपड़े जब अंग संभालने में बेबस हो जाए तब लड़की जात के लिए शर्म संभालना बहुत जरूरी हो जाता है। अब तू बच्ची नहीं रही, जवान हो गई है। सच मेरे बदन के कपड़े? मेरा मतलब अच्छा किया कि तूने मुझे बता दिया कि मैं जवान हो गई हूँ। अब मैं जाके सबको बता दूंगी। चांदनी लो, याद कर रहे थे ना अपनी प्यारी बहन को, आ गई। जब देखो आंधी की तरह आती, आराम से नहीं आ सकती? अब मैं आंधी नहीं रही विकी, तूफान हो गई। तूफान माँ कह रही थी कि अब मैं जवान हो गई हूँ। अच्छा शुक्र है तुझे अपनी जवानी का एहसास तो हुआ। अब संभाल क्या? बाल्टी अब मेरे लिए पानी लेके आना। अरे विकी तू हमेशा मेरी बहन को चिढ़ाता रहता है। हाँ विजय मैं तो सिर्फ पानी। अरे चुप यार, तू इतनी सज-धज के कहाँ जा रही है? भैया मैं तो नदिया पे जा रही हूँ, नदिया पे। हाँ सुन लिया, पर इतना चिल्ला क्यों रही है? पर भैया यहाँ पे कुछ लोग कान के भैरे भी तो है, नदिया पे जा रही हूँ। बाल्टी मेरे लिए पानी लेने जा रही है। तुम आओ आओ। मंदिर और मस्जिद में रिपोर्ट लिखाकर इंसान तकदीर के सहारे बैठ तो जाता है, मगर आपके यहाँ रिपोर्ट लिखाकर आपके दफ्तर की चौखट घिसनी पड़ती है। हर रोज ये उम्मीद खींच लाती कि शायद मेरी उम्मीदों का कातिल पकड़ा गया हो या मेरी बहन सीता का पता लग गया हो। जो हार जाए या टूट जाए उसे उम्मीद नहीं कहते विकी। मैंने साहब आपको बड़े साहब ने बुलाया है। विकी तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आया। यहाँ क्या कर रहे हो? अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। और हम हुआ तुम्हारे इंतजार में सूख सूख के कांटा हो गए और तुमको हमरा यार नहीं। अरे बोल लीजिए। वो नहीं, हम मुर्गी बजाने जाते। जी सुनिए, लगता है हमने आपको पहले भी कहीं देखा है। आए आपके यहाँ लौंडा पैदा हुआ था बधाई देने के लिए, मैं तो आई थी। लौंडा? लौंडा तो हमारे बाप के घर में कभी पैदा नहीं हुआ। हाय हाय मुर्गैया, पैदा हुए थे तो हम सांड के सांड। मुरली ये क्या हरकत है? हरकत में तो बरकत है। तो रोने लग गया। रो क्यों रहा है? तुमसे जब से नाता जोड़ा है रोएंगे नहीं तो कहा हंसेंगे, हमारी तो हंसी खत्म हो गई है। क्या बकवास कर रहा है तुम? अरे तुम्हारी जुदाई ने हमरे भेजे की खुदाई करके उमें शायरी का बीज बो दिया है। तुम कहाँ रहते हो उस्ताद? हमको कितनी याद आती है तुम्हारी, क्या तुमको हमारी याद नहीं आती? याद तो बहुत आती है मुरली, मगर आजकल हम अपने एक दोस्त के साथ दोस्त रहते हैं। अरे दोस्त नहीं, ऐसे कहो सोच के साथ रहते हो। ठीक है एक मियानी माँ नहीं एक मियान माँ दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, तू नहीं और सही।
खाली करो। हेलो, चलो आगे देखो, आगे देखो, डोंट बी स्मार्ट। तुम मुझे नहीं जानते, मैं नारायण का आदमी हूँ और नारायण को जब पता चलेगा कि तुमने उसके हीरो के साथ उसके आदमी को भी पकड़वा दिया तो वो तुम्हारे घर में ही तुम्हारे कब्र को डलेगा। क्यों, कैसी लगी है कब्र? इस कब्र जिंदा इंसान चला जाते हैं, यहाँ रहकर इंसान मौत को तरसता है और जीने की दुआ भी करता है। तुम दोनों ने इन हीरो के साथ इस खतरनाक मुजरिम को पकड़वाकर कानून की मदद ही नहीं की बल्कि अपनी ईमानदारी का सबूत भी दिया है, इसलिए हम सरकार से आपको इनाम भी दिलवाएंगे। इनाम? इनाम तो मैं उन्हें दूंगा नारायण से दुश्मनी करने का, और वो इनाम दूंगा कि वो अपना नाम तक भूल जाएंगे। क्या मालूम करोगे वो किस गली के कुत्ते थे।